फ्रेंड्स आज हम रियल नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल. ठीक है, सपोज रूट थ्री इज रैशनल. सिंस इट इज रैशनल देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर p and q are two co-prime integer and q not equal to zero. Since co-primes क्या होते हैं, co-prime ऐसे दो नंबर है जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो भी होता है वन. Now squaring on both sides रिअरेंज करते हैं. हियर थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर और वी कैन से दैट थ्री डिवाइड्स पी. और थ्री डिवाइड्स पी इसके लिए क्वेश्चन वन मान लीजिए. नाउ पुट P is equal to 3m. अगर आप क्वेश्चन में रूट 5 सॉल्व कर रहे हैं तो पुट P is equal to 5m. अगर आप क्वेश्चन में रूट 7 सॉल्व कर रहे हैं तो पुट P is equal to 7m. Now putting this value of P in equation 2. तो equation 2 में डालते हैं. देखिए कितना आएगा. रिअरेंज करते हैं. यह आया हमारे पास थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर और वी कैन से दैट थ्री डिवाइड्स क्यू. हियर थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर और थ्री डिवाइड्स क्यू. इसको इक्वेशन थ्री लेते हैं. अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर और आ गया है थ्री अदर देन वन जो कि को प्राइम्स के केस में इंपॉसिबल है. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री पी एंड क्यू have one more common factor 3 other than 1. Hence our supposition is wrong. Root 5 root 3 is irrational. Hence proved. Viewers, आप अगर हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ या किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ तो आप हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. धन्यवाद.